हेलो गाइस, वेलकम बैक जैस्मिन ब्लॉग। आई होप यू फाइन। मिलना यहाँ पर मैं अच्छी हूँ और आप सभी को जुम्मा मुबारक। और अभी सुबह का फजर का टाइम हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको व्यू कितना अच्छा हो रहा है, वेदर भी अच्छा हो रहा है। अब दिन का पता नहीं है, मैं तो अभी सोने जा रही हूँ। मैं नमाज़ पढ़ ली है मैंने। उसके बाद क्या पता, कल तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो कल मेरी चार्जर की पिन टूट गई थी, थोड़ी सी बेंड आ गया है उसमें। बच्चे क्या है, मोबाइल में चार्जिंग लगा लगा के बैठ जाते हैं, तो वहाँ से टूट गई थी। तो मैं ग्लू गन को गर्म करके उस पर लगा रही हूँ। मैं देख रही हूँ अगर इसे चार्ज हो जाता है, लेकिन इससे चार्ज होने लगी थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी मसाले वाली। मैंने सोचा कि मैं इधर काम करती रहूँगी। बच्चों को तैयार कर दिया है, नीचे भेज दिया है मैंने बच्चों को, नीचे मोबाइल चला रहे हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म होती गर्म मसाला डाल दिए थे, देन इसमें मसाला पीस लिया था अदरक लहसुन का। ये आ गई लीफ, मतलब बेलीफ ने आज मुझे इतना परेशान करा है जुम्मे के दिन, बहुत ज़्यादा परेशान करा मुझे। ज़्यादा मतलब वीडियो भी बनाने नहीं दी इसके अंदर, जो भी क्लिप है इसके अंदर ही है। आई होप आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ली मेरे चैनल को। बहुत ही खतरनाक काम हो गया था बेलीफ का आज। तो यहाँ पर मसाला भुन चुका है, तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ही आलू और बैंगन। तो मैं धीमी आँच करके पानी डाल के इसके अंदर ढक के रख दूँगी, जिसके अंदर ये पक जाएंगे। फिर पक जाएंगे तो थोड़ी देर और भून के फिर मैं बंद कर दूँगी गैस को, क्योंकि मेरे को इधर आटा भी गूँना। मैं आटा भी गूँ लूँ साथ के साथ ही, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ के आएंगे इसकी रेडी। तो आते ही खाना मांगेंगे, सुल्तान लियाना को भी ऊपर बुला लूँगी मैं खाना खाने के लिए। तो बस जल्दी से बन जाएगा, और जब तक मेरा रूम का भी काम हो जाएगा, रूम का भी काम हो जाएगा। तो ये बस मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, मैंने दो कटोरी पानी डाल दिया था इसके अंदर, ताकि अच्छा शोरबा बन जाए इसके अंदर, और आलू भी गल जाए, बैंगन भी गल जाए। और मुझे वाकई में सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें ही गल गए थे, 10 मिनट के अंदर ही गल गए थे, ढक के रख दिया था जो मैंने। तो इधर आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी, वाइट बिछा दी, क्योंकि आज जुम्मा था तो मैंने इसलिए बिछा दिया, मैंने मतलब चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि और ये बन चुकी है सब्जी इधर। बस थोड़ी सी मैं पानी डालूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर ढक के रख दूंगी, फिर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद इसको बंद कर दूंगी गैस को, क्योंकि सब्जी बन चुकी है। आलू भी गल चुके, मैंने दबा के देख लिया है, और बच्चों को भी खाना खिला दूंगी एक साथ ही, दस्तरखान भी छके। तो अब मैं पूरा सेटअप कर लेती हूँ रूम का, जब जितनी देर में आप व्लॉग को इन्जॉय करें। यहाँ पर मैं पिज्ज़ा का वेट कर रही हूँ, मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और कोल्ड ड्रिंक।
तो अब हम घर पे आ चुके हैं, तो बस मैं शूज़ मूव कर रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद मैं तो एक वीडियो बनाऊँगी इसके अंदर जो एड करनी है मुझे, देन उसके बाद मैं सो जाऊँगी कराटे मार के। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं ऐसी वीडियो बना के डालती हूँ और मेकअप की वीडियोस भी डालती हूँ, मेकअप से रिलेटेड और स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यू, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं सब उसके अंदर डालती हूँ, मतलब डेली की डेली। तो अभी मैं आपको प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, बीच में वीडियो को रोक के, और टिल एंड तक बनी रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करिएगा। तो अभी मैं purple.com से मैंने कुछ सामान मंगाए थे अपने स्किन केयर के लिए, तो मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ बस वही सामान बताऊँगी मैं आपको, ज़्यादा कोई फालतू चीज़ें नहीं बताऊँगी जो डेली यूजेस की है ना वो। तो सबसे पहले तो अपन को उठते हैं तो सबसे पहले फेस वॉश करने की आदत है, मेरी तो हैबिट है फेस वॉश करने की। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो है ये इसकी बात कर लेते हैं, ये स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं और ये फेस वॉश है, ये ब्राइटनिंग फेस वॉश है ये ऑरेंज का, तो ये वाला। और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत अच्छा फेस वॉश हो जाता है इससे, ये इसमें पंप दे रखा है जिससे आप, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और अभी ऑफर भी चल रहा है आपका purple.com के वन प्रोडक्ट के साथ वन प्रोडक्ट फ्री। तो मैंने ना कम से कम मैंने दो प्रोडक्ट मंगाए थे उसके साथ दो प्रोडक्ट फ्री हैं। तो ये फेस वॉश है पहले तो, और सेकेंड जो है टोनर, तो टोनर भी ये लेवेंडर का है, गुड वाइब्स का ही है, और ये जो सारे प्रोडक्ट हैं गुड वाइब्स के हैं। ये टोनर है, ये टोनर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला टोनर पहले भी मंगवाया था मैंने रोज़ वाटर वाला, लेकिन इस बार मैंने लेवेंडर का मंगवाया है, काफ़ी अच्छा है ये भी। और सेकेंड है मॉइस्चराइजर, बहुत ज़रूरी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो इस वजह से। और नेक्स्ट जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ये है मॉइस्चराइजर, नाइट लोशन और विटामिन सी है ये, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी है ये। मैंने सब प्रोडक्ट तो विटामिन सी वाले मंगाए क्योंकि मेरी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी थी विटामिन सी। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने वो मंगाया था, मैंने ना फेस ऑयल मंगाया था लेकिन बट इंसेंशन ऑयल आ गया है विटामिन सी का, यू कैन सी, तो मैं ये भी यूज़ में ले लूँगी। तो ये वाले प्रोडक्ट थे बस चार प्रोडक्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और आप बताएं मुझे मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ आपको जो भी अच्छी लगती होगी। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करी हूँ, टाटा टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, बाय बाय।